आज हम दुनिया के ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे, वो वैसे तो बड़े नहीं है लेकिन अपनी कुछ विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इनके रोचक तथ्य। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धरती के नीचे बसे शहरों के बारे में आपने किसी मूवी या किसी कहानी में जरूर सुना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद यह शहर इन कहानियों को सच बना देता है। जी हाँ, कूबर पेडे एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जमीन के नीचे अपने घर बनाकर रहते हैं। ये जगह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में स्थित है और ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा दूध या पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। दूध या पत्थरों के बाद ये शहर भूमिगत घरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर ज्यादातर घर पत्थरों के खदानों में बने हैं और कुछ पहाड़ियों में खुदाई करके बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग ज्यादा गर्मी से बचने के लिए घरों को जमीन में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ घर ही जमीन के नीचे नहीं है, यहाँ पर लगभग सभी दुकानें, होटल, स्कूल और चर्च तक भी जमीन के नीचे हैं। आइए एक और शहर के बारे में बताते हैं, और ये है किंगडम ऑफ लिटिल पीपल चाइना नाम का शहर है। और यह शहर परियों के शहर की तरह ही, इस शहर में सारे बोने लोग रहते हैं। इस शहर को फार्म भी कहा जाता है क्योंकि यह बिल्कुल छोटा सा है और इसमें बोने लोगों को रोजगार दिया जाता है। इस शहर में रहने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कर्मचारियों को कम से कम 51 इंच लंबा होने की आवश्यकता है। ये लोग दिन में शहरों में कलाकारों की तरह गाते हैं, नृत्य करते हैं और पर्यटकों के आने के लिए मंच पर प्रदर्शन करते हैं। और रात के समय पास में ही बोर्डिंग हाउस बनाया गया है, उसमें चले जाते हैं और दुनिया से बहुत सारे पर्यटक शहर को देखने के लिए आते हैं। आजकल कोविड की वजह से हम सभी को मास्क लगाना पड़ रहा है और हम उसे एक बंधन मानते हैं, लेकिन जापान में मियाके जिमिया नाम का एक शहर है जो कि एक टापू पर बसाया गया है, और उस टापू पर ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, और वह ज्वालामुखी बहुत बार फट चुका है जिसके कारण वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस अभी भी निकलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जिसके कारण वहाँ हवा में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है और वहाँ की हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। इसके कारण वहाँ के लोग दिन हो रात हो मास्क लगाकर घूमते हैं और कभी मास्क नहीं उतारते। 14 जुलाई 2000 को यहाँ ज्वालामुखी फटा था जिसके कारण ये शहर खाली करवा लिया गया था। इसके बाद 4 साल बाद यहाँ के निवासियों को यहाँ वापस रहने की अनुमति दी गई और उनको गैस मास्क साथ रखने की अनिवार्यता भी दी गई क्योंकि अभी भी यहाँ हवा में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है। पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है, इसकी जनसंख्या 2010 में करीब 10 और सन 1980 में 1000 से अधिक थी। इस शहर के धरती के नीचे हमेशा आग धधकती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सन 1962 में यहाँ कोयले की खदान में आग लग गई थी और वह आग आज तक नहीं बुझाई गई है। वह धरती के नीचे हमेशा धधकती रहती है। यह शहर एक समय में बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा शहर था और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले की खदानें थी और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ काम करते थे। पर जब 1962 में यहाँ कोयले की खदान में आग लग गई, उस पर काबू नहीं पाया गया, उसके बाद यह शहर तबाह हो गया। और कहा जाता है कि यह आग 250 साल तक भी बुझने वाली नहीं है और तब तक शहर में कोई रहने नहीं आने वाला है। द विलेज फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है। इस शहर में कोई भी 19 साल से कम उम्र का आदमी नहीं रह सकता, यहाँ का नियम है, और हर परिवार में एक 55 साल का या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए। और इस शहर की जनसंख्या 157,000 है। यह शहर इसलिए बनाया गया कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को अच्छा और आरामदायक वातावरण प्रदान कर सके, और प्रशासन इसमें आज तक कामयाब रहा है, जहां नहीं तो कोई क्राइम का केस आया है और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत ही शांत माहौल बना रहता है और बहुत तेजी से यह शहर बढ़ता हुआ जा रहा है और इसलिए आज यह शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और अमेरिका के और शहरों से बिल्कुल अलग है। मेघालय में एक नदी है उमगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। यह नदी मालविया त्रांग गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी फैलाने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है। तो इसी प्रकार रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।